नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर कुछ मेरे वीडियोस आपको पसंद आए हैं, अगर आपने उन्हें देखा है, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस और महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष आती रहे। तो दोस्तों, आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं पहले बताना चाहूंगा, अगर कोई 498 का केस लगा है और जो सिबलिंग्स हैं, जैसे कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनका नाम भी डाल दिया गया है 498 के केस में, और उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगी हैं, सिर्फ जनरल एलिगेशंस लगी हुई हैं, वो लोग भी अपने ये जजमेंट का उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये वो जजमेंट वो भी चाहें तो अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो क्वैश करा सकते हैं, जिस स्टेट में वो केस पेंडिंग पड़ा है वहाँ की माननीय हाई कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के सामने जिस समक्ष जाके 482 CRPC के अंदर पेटिशन डाल के अपनी प्रोसीडिंग्स को क्वैश करा सकते हैं। तो ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है क्वैशिंग के लिए। तो दोस्तों, ये जजमेंट कब आई थी? ये जजमेंट थी गीता मल्होत्रा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। तो दोस्तों, ये अराइजिंग आउट फ्रॉम स्पेशल लीव पिटिशन क्रिमिनल 10547/2020 और जो कि बाद में कन्वर्ट हो गई थी क्रिमिनल अपील नंबर 1674/2012। तो दोस्तों, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जजमेंट है, इसके डिटेल्स मैंने आपके सामने समक्ष रखे हैं। तो आइए हम देखते हैं इस जजमेंट में क्या था और किस तरीके से मतलब अपीलेंट्स को हेल्प मिली। तो आइए उसके जो फैक्ट्स हैं और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो लीगल पॉइंट्स रेज किए थे उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये जजमेंट थी अपील बाय स्पेशल लीव पिटीशन जो कि अराइज हुई थी माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, अलाहाबाद की जो बेंच थी उनके जो ऑर्डर था 6 सितंबर 2010 में जो ऑर्डर दिया गया था उसके अगेंस्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी, और जो कि एप्लीकेशन नंबर जो है सो एंड सो था, जो कि डिस्पोज कर दी थी माननीय हाई कोर्ट ने और डायरेक्शन दी थी कि मतलब ये एप्लीकेशन को डिस्पोज किया था उन्होंने, कोई डिसमिस नहीं की थी, डिस्पोज किया था। डिस्पोज और डिसमिसल में फर्क होता है। कोई डायरेक्शन दी थी, आइए देखते हैं क्या था इसमें। इन्होंने माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि मतलब जो पटिशन इन्होंने डाली थी अपीलेंट्स ने माननीय हाईकोर्ट के सामने, वो क्वेश्चन के लिए डाली थी, जो कि मजिस्ट्रेट साहब ने कॉजनेंस ले लिया था अगेंस्ट अपीलेंट अंडर 498, 323, 504, 506 IPC के प्रोविजंस के अंदर मजिस्ट्रेट साहब ने कॉजनेंस ले लिया था अगेंस्ट दी अपीलेंट और सेक्शन रीड विद सेक्शन 34 ऑफ डॉग डिप्रिप्शन एक्ट। तो साथ में जो जो डिस्पोज की थी माननीय हाईकोर्ट ने, एक डायरेक्शन दी थी, ऑब्जर्वेशन दिया था कि जो क्वेश्चन ऑफ टेरिटरी ज्यूरिस्डिक्शन है वो माननीय हाईकोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता है, और इसके लिए आप और इसके लिए बताया था कि माननीय हाईकोर्ट डिस्कस नहीं कर सकता है, और अपीलेंट्स को कहा था कि आप अपनी रेमेडीज को अवेल कीजिए और ट्रायल कोर्ट के समक्ष जाइए, और जो भी प्रोसीडिंग्स जो भी इन्होंने टेरिटरी ज्यूरिस्डिक्शन का जो ग्राउंड्स रेज किया है वहां पे समक्ष रखिए, और उनके सामने जो भी है प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप करने के लिए प्रेयर मांगिए अपनी। और फिर हाई कोर्ट ने उसी पिटीशन में एक इंटरिम डायरेक्शन दे दी थी कि अथॉरिटीज को कोई अथॉरिटीज जो है अपीलेंट्स के ऊपर कोई कोर्स स्टेप्स ना लें जब तक उनकी एप्लीकेशन है जो डिस्पोज नहीं होती है, जो जो कि 2 महीने का उनको टाइम दिया था कि मतलब टू डिस्पोज द एप्लीकेशन मोबाइल। तो ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दी थी कि वो अपनी एप्लीकेशन जो उनकी जो एप्लीकेशन अगर टेरिटरी ज्यूरिस्डिक्शन की रेज करते हैं तो उसे 2 मंथ्स तक डिस्पोज कर दिया जाए, और साथ में अथॉरिटीज को भी डायरेक्शन दी कि कोई भी कोर्सिव स्टेप्स ना लिया जाए। तो फिर जो पिटीशन डाली थी 482 की वो इसी इस डायरेक्शन के साथ डिस्पोज कर दी गई। आप आगे देखिए, आगे क्या बताया, आगे देखिए, आगे ये लिखा है कि अपीलेंट ने उस लिबर्टी को अवेल करने के बजाय एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दी, मतलब जो अगेंस्ट फाइल दिस अपील मींस अपील फाइल की उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो जो माननीय हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी। और इसमें जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 थी वो की
मतलब इस केस में मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रिस्पोंडेंट नंबर टू जिनको बनाया गया था वो एक वो मैरिड वुमन थी जो कंप्लेनेंट थी और उन्होंने कंप्लेंट डाली थी अगेंस्ट हस्बैंड फादर इन लॉ मदर इन लॉ ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ तो मतलब मीन्स पांच लोगों के अगेंस्ट उन्होंने कंप्लेंट डाली थी और अपील जो प्रेफर्ड की थी वो की सिस्टर इन लॉ थी जो सिस्टर इन लॉ थी उन्होंने अपनी अपील फाइल की थी वो जो कि अपीलेंट नंबर वन थी सुप्रीम कोर्ट के सामने समक्ष और ब्रदर इन लॉ ने डाली थी तो स्पेशली पिटीशन में दो अपीलेंट्स थे एक जो थी वो सिस्टर इन लॉ थी दूसरी थे ब्रदर इन लॉ इन्होंने हाई कोर्ट के जो लिबर्टी दी थी कि आप टेरिटरी जुरिस्डिक्शन का जो ग्राउंड है वो रेज कीजिए ट्रायल कोर्ट के सामने और साथ में कोर्ट से स्टेप्स अथॉरिटीज को डायरेक्शन दे दी थी कि कोर्ट से स्टेप्स ना अडॉप्ट किए जाएं जब तक उनकी एप्लीकेशन डिस्पोज नहीं हो जाती और ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दी थी कि दो महीने तक जो है एप्लीकेशन उनकी डिस्पोज कर दी जाए तो इन अपीलेंट्स ने उस ऑर्डर के अगेंस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की तो देखिए ये इतना यहाँ तक तो समझ में आता है कि क्या केस था आगे चलते हैं आगे क्या था आप देखिए अब जो पैराग्राफ नंबर थ्री से लेके जो पैराग्राफ थ्री से लेकर सेवन तक जो है वो कंप्लेंट के जो फैक्ट्स हैं वो लिखे गए हैं जो कंप्लेंट में जो एलिगेशंस लगाई हैं वो लिखे गए हैं थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें जो कंप्लेंट जो थी उन्होंने कहा कि जो केस था जो कि एफआईआर के बेसिस पे ओरिजिनेट हुआ था रिस्पोंडेंट नंबर टू जो कंप्लेंट थी उन्होंने 498, 323, 504, 506 IPC की जो कंप्लेंट है और सेक्शन 334 ऑफ डाउरी प्रिवेंशन एक्ट की एफआईआर रजिस्टर कराई थी एफआईआर जो रजिस्टर्ड थी वो अलाहाबाद में हुई थी और कंप्लेंट ने एलिगेशंस लगाई थी कि उनकी जो मैरिज शादी हुई थी और शादी हुई थी वो रह रही हैं फरीदाबाद में और प्रायर टू द मैरिज के कंप्लेंट ने को बताया गया कि कि वो जो हस्बैंड है वो किसी कंपनी में काम करते हैं और उनकी अच्छी सैलरी है और नेगोशिएशन हुआ इन दोनों के बीच में और फिर जो फिर उसके बाद बताया कि रिस्पोंडेंट नंबर जो मतलब जो नेगोशिएशन हुआ पार्टीज के बीच में फिर उसके बाद बताया कि रिस्पोंडेंट कंप्लेनेंट जो थी वो अपने इन लॉज के साथ रहने लगती मीन्स हस्बैंड और उनकी फैमिली के साथ और फिर बाद में बताया कि जो हाउस का जो एनवायरनमेंट था वो आफ्टर द वेडिंग से कहा कि वो एलिगेशंस लगाई हैं कि मेड सर्वेंट को हटा दिया फिर उसके बाद डोमेस्टिक काम करवाने लगे मतलब ये सारी एलिगेशंस लगी हैं इसके ऊपर हम नहीं जाते हैं फिर बाद में आगे हम जाते हैं फिर लीगल पॉइंट्स पे रह जाते हैं कि उसमें क्या था पहले ये सेवन पैराग्राफ्स तक एलिगेशंस लगाई हुई हैं मैट्रिमोनियल जो बिकरिंग है और एलिगेशंस लगाई हैं अगेंस्ट दी इन लॉज के अगेंस्ट में आगे चलते हैं इस पैराग्राफ पे पैराग्राफ नंबर एट पे चलते हैं सेवन पे लिखा है कि जो फिर एलिगेशन लगाए कि डॉवरी मांगी मैट्रिमोनियल बिकेंगे आगे देखिए फिर आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर एट पे चलते हैं उसमें बताया कि जो उन्होंने फिर कंप्लेंट ने कंप्लेंट लगाई और जो कि रजिस्टर जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज थी पुलिस स्टेशन अलाहाबाद में और उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया केस को और पुलिस ने चार्जशीट भी सबमिट कर दी अगेंस्ट दी अपीलेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ दी कंप्लेंट हस्बैंड फिर आगे लिखा है कि जो अपीलेंट्स थी जो कि सिस्टर एंड ब्रदर्स थे कंप्लेनेंट के हस्बैंड के तो उन्होंने पिटीशन डाली 482 CRPC के अंदर माननीय मतलब क्वेश कर दी जाए जो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हुआ है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अलाहाबाद में जो ग्राउंड रेस किए गए वो देखिए उसमें क्या रेस किया कहा कि FIR जो फाइल की है वो हरास करने के लिए की गई है कोई भी केस बनता नहीं है अपीलेंट और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ अगेंस्ट में लेकिन जो प्रिंसिपल जो ग्राउंड था FIR का वो हुआ वो ये था कि अलेज्ड इंसिडेंट इंसिडेंट जो था वो फरीदाबाद में हुआ है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो डाली गई है अलाहाबाद में ताकि इन्वेस्टिगेशन शुड वहाँ पर ही होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन लेकिन जो कंप्लेनेंट ने मैलाफाइड इंटेंशन के साथ और अपने फादर के साथ मिलके जो है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सो रिकॉर्ड करवाई अपने स्टेटमेंट में और गाजियाबाद जो में रिकॉर्ड करवाई जो कि टेरिटरी जुरिस्डिक्शन से बाहर था और जो कि लीगल एंड प्रॉपर नहीं है इन्वेस्टिगेशन कंसिडर नॉट अ लीगल एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन
और फिर देखिए ये बताया कि अलेज फादर जो था, मतलब जो फादर ऑफ द कंप्लेनेंट थे, उन्होंने अरेस्ट वारंट जो है इशू करवाया अलाहाबाद में, और जबकि अलाहाबाद में कॉज ऑफ एक्शन नहीं हुआ था। तो फिर इंस्पायर्ड ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हैव अराइजन एट अलाहाबाद, ये चीज लिखी है उन्होंने। आगे क्या है, आगे ये जो जजमेंट के कंटेंट्स है उसमें यही बताया हुआ है। आगे हम देखते हैं आगे क्या था। उसमें ये बताया कि जो अपील जो थी वो प्रेफर की, जो कि सिस्टर थी कंप्लेंट के हस्बैंड की, और जो एल्डर ब्रदर थे कंप्लेंट के हस्बैंड के, मीन्स जो देव मतलब जेठ और ननद ने मतलब पटिशन डाली और हाई कोर्ट के सामने सबमिट किया कि कंप्लेनेंट ने सबमिट किया कि कंप्लेनेंट ने ऑलरेडी एक्स एक्स पार्टी डिग्री ऑफ डिवोर्स ले लिया है और थ्रू हर फादर, और अब ये जो कंप्लेंट डाली गई है सिर्फ अननेसेसरी हरास करने के लिए डाली गई है, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए पैसा जो है वो लेने के लिए, मतलब उनसे पैसा लेने के मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट करने के लिए की गई है, क्योंकि मेडिटेशन फेल हो चुकी है। और फिर ग्राउंड्स बताया कि फोर्थ दिस कोर्ट, अब देखिए अब ये एम्पायर नंबर 11 ने बताया कि वो तो हाई कोर्ट का था। अब देखिए यहाँ ये बताया कि ग्राउंड्स ऑफ दिस चैलेंज, कहते हैं कि कोर्ट के सामने जो यहाँ पे जो ग्राउंड रखेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ग्राउंड रखे, उसमें ये बताया कि हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया कि इन्वेस्टिगेटिंग जो अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेशन जो है डन बाय द अथॉरिटी विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस लॉ, जो जिसकी टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, मींस कि जो इन्वेस्टिग जहां पुलिस कंप्लेंट डाली गई उनकी टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, क्योंकि ये जिस जगह पे रह रहे थे जो कि फरीदाबाद में रह रहे थे, और लेकिन जो कंप्लेंट जो डाली गई वो जो थी वो अलाहाबाद में डाली गई। और फिर पर्चा डायरी का भी बताया गया कि जो कि हाई कोर्ट ने जो पर्चा डायरी थी और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को भी ओवरलुक कर दिया कि FIR जो लॉज हुई है वो अलाहाबाद में हुई है, जो कॉज ऑफ एक्शन जो हुआ है वो फरीदाबाद में मीन्स हरियाणा में हुआ है। तो अलाहाबाद है वो यूपी में है, फरीदाबाद है वो हरियाणा में, तो टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन का एक ग्राउंड इन्होंने रेज किया। और फिर कोर्ट के सामने फिर एक और ग्राउंड रेज किया कि इट इज देयरफॉर सबमिटेड दैट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ऑफ अलाहाबाद जो थी वो ट्रेवर्स्ड बियॉन्ड द टेरिटरी लिमिट्स, जो कि अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ है, और हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट मतलब फेल टू अप्रिशिएट दिस इनहेरेंट पावर अंडर 482 CRPC। तो फिर आगे बताया कि इन दिस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ दिस केस एंड अलाउ द प्रोसीडिंग टू गो ऑन द ट्रायल ऑल्दो इट हैज नो टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन टू एडजुडिकेट द सेम, मींस हाई कोर्ट ने अपनी जो इनहेरेंट पावर्स थी उसको एक्सरसाइज नहीं किया, और जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी उसको मतलब कंटिन्यू करने दिया, जिसकी वजह से जो कि एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ है। फिर आगे फिर देखिए आगे बताया क्या ग्राउंड रेस किया, फिर मतलब ग्राउंड रेस किया कि हाई कोर्ट ने जो है एक्सरसाइज नहीं की मतलब फेल टू एग्जामिन, मींस जो फैक्ट्स थे उसको भी मतलब एग्जामिन जो थे मतलब FIR के जो फैक्ट्स थे उसको भी एग्जामिन नहीं किया, और देखा नहीं कि जो फैक्ट्स हैं जो FIR में कोई कॉन्स्टिट्यूट प्राइम फेशिया केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, प्राइम फेशिया केस मेकिंग आउट दिस सिस्टर लॉ एंड ब्रदर लॉ ऑफ द कंप्लेंट, और कोई भी ऐसा कोई मटेरियल है जो अगर उसे सारे मटेरियल को देखा जाए और कोई कॉन्स्टिट्यूट करे लगे कि अपीलेंट्स के अगेंस्ट कोई ऑफेंस बनता हो, तो कोर्ट को अटेंशन मतलब ये बताया कि इस कोर्ट के समक्ष अटेंशन फिर रखी, और कहा कि कॉन्ट्राडिक्शंस हैं स्टेटमेंट में कंप्लेनेंट की और उनके फादर में के बीच में, और जो कि मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, मीन्स उन्होंने ग्राउंड्स ये भी रेज किए कि एक तो पहले देखा नहीं कि फैक्ट्स हैं FIR में, कि FIR के जो फैक्ट्स को अगर देखा जाए कि कोई ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता, और दूसरा बताया कि कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कंप्लेनेंट के और उसके उनके फादर के, और जो कि एक मटीरियल कॉन्ट्राडिक्शंस है। तो फिर जो उससे कंक्लूजन निकल के आता है कि कोई स्टोरी कंपोर्टेड स्टोरी मीन्स एक स्टोरी डिजाइन की गई है टू अपीलेंट और उसके फैमिली मेंबर्स को क्रिमिनल केस पे, जो कि एक मैलिफाइड इंटेंशन के साथ डाली गई है ताकि पर्सनल स्कोर्स हैं वो सेटल किया जा सके और जितना पैसा हो सके वो निकाला जा सके, जो कि हस्बैंड एक्स हस्बैंड की जो फैमिली है, जो मतलब जो कंप्लेंट के जो हस्बैंड थे उनको जो कि एक्स हस्बैंड लिखा गया है उनकी जो फैमिली से ज्यादा पैसे एक्सट्रैक्ट किए जा सके। और फिर ये बताया कि ऑन द प्रोसीड ऑफ द कंप्लेंट अदर मटेरियल रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द इन द लाइट ऑफ सेटल प्रिंसिपल इट इज अपेरेंट, आप देखिए कोर्ट ने कहा कि सारे जो मटेरियल सामने रखे
माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कोर्ट ने कहा कि ऐसे लगता है कि हाई कोर्ट ने अपना अप्लाई जो माइंड है वो अप्लाई नहीं किया है, और वेदर द केस ये नहीं देखा कि केस जो है क्वैश किया जा सकता है अपीलेंट को, और जिससे अपीलेंट को केस क्वैश किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने पिटीशन को डिस्पोज कर दिया और कहा कि लिबर्टी दे दी कि जाओ ट्रायल कोर्ट में सामने जाओ और अपनी कंटेंशंस रेज करो कि टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन की मतलब जो ट्रायल कोर्ट के पास टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन है टू कंटिन्यूज विद द ट्रायल इन द लाइट ऑफ गवर्नमेंट्स, क्योंकि जबकि कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं अराइज हुआ है इलाहाबाद में और सारा जो इंसिडेंट्स हैं अलेज्ड इंसिडेंट्स हैं FIR के वो फरीदाबाद में हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी हाई कोर्ट ने तो सिर्फ डिस्पोज कर दी पिटीशन को, ये नहीं देखा कि कोई प्रांफेशिया केस बनता है कि नहीं बनता। अगर बनता है तो आगे का उसके ऊपर आगे आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे फिर आगे एक और लिखा है, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और कमेंट लिया, मतलब जो ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने एक इस बात के इसके अलावा भी ओवरलुक किया। उन्होंने कहा कि कंप्लेन नंबर 2 को ऑलरेडी जो है ऑब्टेंड जो है वो एक्स पार्टी डाइवोर्स मिल चुका है हस्बैंड से, और हाई कोर्ट ने अप्लाई नहीं किया माइंड को कि केस कुड जो है वो अगेंस्ट दी ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के ऊपर बनता है कि नहीं बनता, जो कि कंप्लेनेंट के एक्स हस्बैंड के जो मतलब जो है सिस्टर एंड ब्रदर्स है। और फिर आगे देखिए क्या लिखा, फैक्ट्स ऑफ द FIR स्टैंड्स कि जो प्राइमफेशिया केस बनता है अगेंस्ट द हस्बैंड एंड सम अक्यूज्ड पर्संस मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड, तो इट श्योरली अपीयर्स टू बी केस वेयर नो इंग्रेडिएंट्स मेकिंग आउट द केस अगेंस्ट द अनमैरिड सिस्टर ऑफ द जो हस्बैंड है एंड ब्रदर, तो फॉर इवन विच व्हेन द कंप्लेनेंट केम टू हर इन लॉज आफ्टर द वेडिंग फिर शी अलेज्ड कि फिजिकल मेंटल टॉर्चर गिवन बाय स्टेटिंग इन जनरल दैट शी हैव बीन ऑर्डर्ड, कोर्ट ने कहा कि जो भी मैरिड वुमन थी जो कंप्लेनेंट थी उन्होंने आए हैं मतलब मैरिज के बाद उनके घर में आने लग पड़ी और उन्होंने जो थी एलिगेशंस थी पहले तो देखिए कि केस बनता है कि नहीं बनता, और उसके बाद जो एलिगेशंस लगाई थी वो काफ़ी जनरल थी। उसमें कहा कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज कराए जाते हैं, कुकिंग मील्स कराई जाती है, खाना बनाने को कहते हैं घर की पूरे के पूरे घर को, तो कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगाई अगेंस्ट दी सिस्टर एंड द ब्रदर इन लॉ कि हाउ दे कुड बी इम्प्लीकेटेड, ये सिंपल इंपॉर्टेंट ग्राउंड आ रहा है, हाउ दे कुड बी इम्प्लीकेटेड इन म्यूचुअली बिकरिंग बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द हस्बैंड तो इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स, तो कंप्लेनेंट का लड़ाई झगड़ा हस्बैंड से होना और उनके पेरेंट्स से होना, तो मैरिड अनमैरिड सिस्टर और अनमैरिड जो ब्रदर है अनमैरिड सिस्टर इन लॉ और जो अनमैरिड ब्रदर इन लॉ किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, किस तरीके से इम्प्लीकेट हो सकते हैं, जबकि बहसबाजी जो है मतलब जो भी म्यूचुअल बिकरिंग हो रही थी वो बिटवीन दी कंप्लेनेंट हो रही थी और उनके हस्बैंड और उनके पेरेंट्स के बीच। तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट को डिस्कस किया, अब जजमेंट को हम आगे नहीं देखते हैं क्योंकि ये सर्टेज है, इस जजमेंट में क्या है उसके ऊपर हम देखते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि जो जजमेंट का रेफरेंस दिया था वो थी रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की, जो कि 2005 थी। अब उस जजमेंट के इन्फ्रेंसेस थे वो डिस्कस मतलब जो भी कंक्लूजन आया था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया, और उसमें कहा था कि जो भी बैल एलिगेशन लगाई जाती हैं अगेंस्ट दी और उस केस में भी ये बताया कि एलिगेशन लगाई थी सिस्टर इन लॉ, तो क्या था कि ये इसलिए लगाई थी कि अपीयर्स टू बी सजेस्ट द एंग्जाइटी ऑफ द इन्फॉर्मेंट कि जितना हो सके हस्बैंड के रिलेटिव्स को मेंबर्स को इम्प्लीकेट किया जा सके, रोप किया जा सके, रोप ROPE टू रोप किया जा सके इन एनी एज मैनी ऑफ द हस्बैंड रिलेटिव्स। तो उस केस की जजमेंट का डिस्कस किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं हम, और फिर देखिए अब ये देखिए आगे क्या बताया उन्होंने 18 पैराग्राफ पे देखिए। अब ये कहा कि जो माननीय हाईकोर्ट ने नो डाउट कि एकदम करेक्ट वर्जन लिया था कि क्वेश्चन ऑफ टेरिटरियल ज्यूरिसडिक्शन है वो ट्रायल कोर्ट ही डिसाइड करेगा, लेकिन आगे देखिए आगे क्या बताया उन्होंने ये क्या लेकिन ग्राउंड जो था एक ग्राउंड था जो कि क्वेश्चनिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स के अंदर, लेकिन जो कंप्लेनर मतलब जो अपीलेंट ने दूसरे भी ग्राउंड रेज किए थे, उन्होंने ये ग्राउंड रेज किया था कि प्राइम फेशिया केस ने अपीलेंट और के ऊपर नहीं बनता है अगर जो FIR के कंटेंट्स हैं उसके बेसिस पे कोई प्राइम फेशिया केस नहीं बनता है अंडर डाउरी प्रिविजन एक्ट एंड अदर प्रोविजंस ऑफ IPC। तो हाई कोर्ट ने अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज नहीं किया है और अपीलेंट को जो कि ब्रदर एंड सिस्टर थे मतलब जो हस्बैंड के, और यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने
डाउरी डिमांड की अब, तो कहा कि हाईकोर्ट को कंसिडर करना चाहिए था। तो लिखा हाईकोर्ट देयरफॉर आउट हैव टू बी कंसिडर कि अगर अपीलेंट ट्रायल कोर्ट इलाहाबाद की ज्यूरिसडिक्शन है तब भी क्वेश्चन रिमेन्स, तभी ये क्वेश्चन अनसॉल्व रहेगा कि ये रिमेन, तभी ये क्वेश्चन रहेगा कि वेदर ट्रायल अगेंस्ट द ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ लॉ वाज फिट टू बी कंटिन्यूड, वेदर दैट आल्सो अमाउंट्स टू द अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मान लिया जाए कि जो ज्यूरिसडिक्शन जो है वो अगर होती भी इलाहाबाद की, तो तब भी ये क्वेश्चन ओपन रहेगा कि अनमैरिड ब्रदर, जो ब्रदर एंड सिस्टर है हस्बैंड को, तो क्या उनके ऊपर केस कंटिन्यू रहना चाहिए और क्या ये अब्यूज प्रोसेस नहीं होगा कोर्ट, मतलब कि अगर उनके ऊपर ट्रायल चालू किया जाए या ट्रायल कंटिन्यू किया जाए। तो आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे फिर क्या कहा। पहले चीज तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो ट्रायल कोर्ट ही डिसाइड करेगी, लेकिन दूसरा क्वेश्चन कहा कि जो प्राइम फेशिया केस बनता है कि नहीं बनता, और ये क्वेश्चन तो हमेशा ओपन, ये क्वेश्चन तो ओपन रहेगा। मान लीजिए अगर वो कह भी देते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, मतलब सॉरी इलाहाबाद जो कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट अगर कह भी देती है कि हाँ हमारे पास टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन जो प्राइम फेशिया केस के एलिगेशन है लगी हुई है, क्या उससे केस बनता है ब्रदर और सिस्टर के ऊपर? तो जबकि तो क्या ये अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट नहीं होगा? तो कोर्ट ने ये चीज बताई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ द केस को बताया क्या, कंटेंट्स ऑफ एफआईआर को प्रस्यू किया। फिर उन्होंने माननीय कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगाई थी अगेंस्ट जो मतलब जो थी अपीलेंट, मतलब अपीलेंट नंबर वन जो कि सिस्टर लॉ थी और ब्रदर लॉ, सिर्फ कैजुअल रेफरेंस ऑफ नेम डाला गया एफआईआर पे। अब कहा कि कैजुअल रेफरेंस ऑफ द नेम है, फैमिली मेंबर्स के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कोई एलिगेशन ना हो कि कोई एलिगेशन, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन ना हो एक्टिव कि उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, तो ये जो फैक्ट्स बाउंस आउट ये निकल के आता है इसके बेसिस पे कि टेंडेंसी है कि जितनी भी फैमिली मेंबर्स हैं हाउस होल्ड के, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करो, जो भी क्वारल होगा, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होगा जो, जबकि सून आफ्टर द मैरिज हो, तो ये टेंडेंसी रहती है। तो आगे फिर उन्होंने माननीय कोर्ट ने एक और जजमेंट का रेफरेंस दिया, जी वी राव वर्सेस एल वी प्रसाद एंड अदर्स। तो आगे बढ़ते हैं, जजमेंट के ऊपर डिस्कशन किया, फिर एक और जजमेंट के ऊपर डिस्कस किया, बी एस जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर। आगे बढ़ते हैं इसमें, ये सारे जजमेंट को उन्होंने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं पैरा नंबर 24 पे। पैरा नंबर 24 में बताया कि पैरा नंबर 23 भी यही है, और जजमेंट के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने कमेंट्स दिया। आगे चलते हैं पैरा नंबर 24 पे, देखते हैं कि हाउएवर वी डीम इट एप्रोप्राइट टू ऐड बाय द वे आर कॉशियस दैट वी आर नॉट मिसअंडरस्टूड टू इन्फर इवन इफ द एलिगेशंस ऑफ ओवर एक्ट आर इंडिकेटिंग द कॉम्प्लिसिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स नेमली रेफर इन गिवन केस कॉजेस वुड बी अनजस्टिफाइड, बट व्हाट वी विश टू एम्फसाइज बाय हाईलाइटिंग इज दैट इफ एफआईआर एज इट स्टैंड्स नॉट डिस्क्लोज स्पेसिफिक एलिगेशंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, मोर सो अगेंस्ट द को-अक्यूज्ड, एस्पेशली इन द मैटर अराइजिंग आउट the matrimonial bickering, it will be clear abuse of the legal and the judicial process to mechanically send the name accused in the FIR to undergo the trial unless of course FIR discloses the specific allegations which would pursue the court to take the cognizance of the offense against the relatives of the main accused who are the prime facie not to have induced in the physical and the mental torture of the wife। The court ne kaha ki ab ye dekhiye ye kafi important jo point hai wo set kiya hai inhone। उन्होंने कहा कि अगर हम ये कॉशियस के साथ देते हैं कि हम मिसअंडरस्टूड नहीं कर होते हैं कि अगर कोई एलिगेशंस लगी हैं और कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगी हैं और सिर्फ जनरल एलिगेशन लगी हैं, और अगर उसको कंसिडर भी कर लिया जाए, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन ना लगी हो अक्यूज के ऊपर, और स्पेशली जो को अक्यूज हैं, जो जैसे कि ब्रदर एंड सिस्टर लॉ है, और जो ब्रदर एंड सिस्टर लॉ कंप्लेंट किया उसके ऊपर भी अगर ऐसे ही कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगी है, जनरल एलिगेशन लगी है, उसके बाद भी ट्रायल चल रहा है, तो ये जो कि एक क्लियर अब्यूज प्रोसेस ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस होगा अगर उनका नाम मैकेनिकल मैनर पे भेज दिया गया कि ट्रायल फेस करो। तो ये कहा कि ये एक तरह का अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट होगा अगर मैकेनिकली नेम सेट कर दिया जाए कि इन लोगों को भी ट्रायल फेस करना चाहिए। तो ये चीज जो है उन्होंने कहा कि एक मतलब कोर्ट को जो है कॉजेंस लेने से पहले देखना चाहिए कि उनके ऊपर कोई जो प्राइम फेशिया केस बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर कोई बन रहा है मतलब कोई स्पेसिफिक एलिगेशन लगी है तब चीज़ अलग है, अगर नहीं लग रहा है
जो कोर्ट्स हैं, जो मतलब स्पेशली हाई कोर्ट्स हैं, उनको जस्टिफाइड होने चाहिए कि क्वैश कर दिए चाहिए, ताकि फर्दर अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ ना हो, प्रिवेंटिंग द अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ, मींस अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ को बचाने के लिए उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, एफआईआर कहीं अगर कोई कॉज कोई कमीशन ऑफेंस नहीं बन रहा है तो कोर्ट को भी जस्टिफाइड होना चाहिए, क्वैश कर देनी चाहिए, ताकि अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ ना हो सके। और सिमिलरली दूसरा पॉइंट भी लिखा है, सिमिलरली कोर्ट्स को एक कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए इन क्वैशिंग द स्पेशली द केसेस ऑफ मेट्रोपॉलिटन डिस्प्यूट्स। अगर एफआईआर में कोई कमीशन ऑफ ऑफेंस दे रखा है अगेंस्ट द रिलेटिव्स ऑफ द प्रिंसिपल अक्यूज्ड द फ्रेम अक्यूज्ड, और पहले तो अगर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन लगी है, और कि प्राइम फेशिया डिस्क्लोज कर रहा है ओवर इंप्लीकेशन बाय इन्वॉल्विंग द एंटायर फैमिली ऑफ द अक्यूज्ड एट द इंस्टेंस ऑफ द कंप्लेंट हु इज सेट आउट टू सेटल हिज स्कोर्स अराइजिंग आउट द टीथिंग प्रॉब्लम्स और द स्किर्मिशेस ऑफ द स्किर्मिश ऑफ द डोमेस्टिक बिकरिंग व्हाइल सेटिंग डाउन इन द न्यू मेट्रोपॉलिटन सराउंडिंग्स। तो कहा कि अगर कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगी हैं तब भी कॉशियस अप्रोच करनी चाहिए, अगर लगी हैं अगर तो उस पर कई ओवर इम्प्लीकेशंस तो नहीं हो रही हैं कि मेट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो रहा है और कोई जब कोई न्यूली वेडेड वाइफ आती है और न्यू सराउंडिंग में एडजस्ट होने की वजह से क्या उनका नाम तो नहीं इन्वॉल्व कर किया जा रहा है, तो इस चीज में माननीय कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। आगे चलते हैं, आगे 26 पैराग्राफ में चलते हैं। कहा कि हाईकोर्ट ने हमारी इन आवर कंसिडर ओपिनियन कि एक मिस कर दिया कि ट्रायल कोर्ट के पास टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन, अज्यूमिंग कि टेरिटरी कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन इट्स स्टिल लेफ्ट टू बी डिसाइडेड कि क्या ये केस फिट है अपीलेट्स के लिए अगेंस्ट की जो एफआईआर फेल्ड टू मेक आउट अ प्राइम फेशिया केस अगेंस्ट देम रिगार्डिंग द एलिगेशन ऑफ इंफ्लिक्टिंग फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर टू कंप्लेंट डिमांडिंग डाउरी फ्रॉम द कंप्लेंट। सिंस हाई कोर्ट ने जो है ये मिस कर दिया है failed to consider all these aspects, the court jo hai as stated above could have been remitted the matter to the high court to consider whether the case to be made out. कहा कि court चाहे तो remand back करके भी दे सकती है कि remit करके दे सकती है, चलो इस question को भी decide करो कि prime facie case बनता है कि नहीं बनता, लेकिन but as the contents of the FIR does not disclose the specific allegation against the brother and sister of law except the casual allegations, which means उनके पर लगी थी वो casual references थे, name थे, तो क्या इट वुड नॉट बी जस्ट डायरेक्ट टू गो देम द प्रोटेक्टिव प्रोसीजर बाय रिमांडिंग द केस रिमांडिंग फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द मैटर ऑल ओवर अगेन बाय द हाई कोर्ट टू मेक अनमैरिड ऑफ द मेन अक्यूज्ड एंड द एल्डर ब्रदर टू सफर द ऑडियल ऑफ द क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट देम स्पेशली व्हेन द एफआईआर डज नॉट डिस्क्लोज द इंग्रीडियंट्स ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 498 जो भी लगे थे इंग्रीडियंट्स एंड सेक्शन 34 ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यूएएन। तो कहा कि फिर से प्रोटेक्टिव प्रोसीजर नहीं फेस करना चाहिए, या हम फिर से रिमांड करते हैं कि चलो हाईकोर्ट दोबारा से डिसाइड करे, और फिर उससे क्या होगा कि प्रोटेक्टिव प्रोसीजर फेस करना पड़ेगा और फिर से उनको सफर करना पड़ेगा कि एल्डर ब्रदर हैं जो मतलब जो सिस्टर हैं जो ननद हैं जो सिस्टर हैं उनको फिर से प्रोसीजर फेस करना पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा कि हमने वी डीम्ड जस्ट लीगल एंड एप्रोप्राइट कि हम ही क्वेश्चन कर देते हैं प्रोसीडिंग्स को अगेंस्ट दी अपीलेंट्स, तो जो कि एफआईआर ने क्योंकि डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कोई स्पेसिफिक एलिगेशन कोई मटेरियल नहीं डिस्क्लोज कर रहा है कि कोई ऑफेंस हुआ हो अगेंस्ट द टू अपीलेंट्स, सिर्फ जनरल एलिगेशन लगा देना कि ये भी इन्वॉल्व थे फिजिकल और मेंटल टॉर्चर पे विदाउट मेंशनिंग अ सिंगल इंसिडेंट, कोई भी सिंगल इंसिडेंट नहीं मेंशन किया कि हाउ दे आर बीइंग कुड बी मोटिवेटेड टू डिमांड डाउरी, जबकि ये सिर्फ रिलेटेड है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ हस्बैंड के, तो वी आर प्लीज टू क्वेश्चन द प्रोसीडिंग्स सिर्फ इस ग्राउंड पे क्योंकि इनको इन्वॉल्व कर देना कि ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं और कोई सिंगल एलिगेशन तक नहीं लगी है। तो कोर्ट ने कहा कि हम प्लीज टू क्वेश्चन दियर प्रोसीडिंग, हम प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन कर देते हैं और जितने भी पास हुए हैं और जितने भी हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किए थे उसे ओवरमेंट कर देते हैं, तो इस तरह से अपील को उन्होंने अलाउ कर दिया। तो देखिए दोस्तों ये जो जजमेंट थी ये काफ़ी हेल्पफुल है स्पेशली जो सिस्टर लॉ है ब्रदर लॉ है, अगर उनका नाम कैश मैकेनिकल मैनर पर भेज दिया गया है और कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगी है कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं हुआ है उनमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं लगी है, तो ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इस जजमेंट का मतलब रेफरेंस के ले के हाईकोर्ट में अपनी प्रोसीडिंग्स को 498 की अगर लगी हुई है तो उस पर क्वैश कराने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें।
समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।